शिवपुरी जिले के ग्राम पंचायत चंदोली में सरपंच और सचिव ने भ्रष्टाचार करने में मानवता की सारी हदें पार कर दी है। एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर अंत्येष्टि के नाम पर 5,000 रुपये निकाल लिए। जीवित रघुराज यादव को मृत घोषित करने का मामला सामने आया है। शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस नीतीश यादव द्वारा शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया गया कि बदरवास तहसील के ग्राम पंचायत चंदोरिया के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक द्वारा सरनाम सिंह यादव के मकान से हरदोल चबूतरे तक सीसी रोड जिसकी लागत 8,69,000 रुपये बताई गई है धरातल पर बना ही नहीं है और रघुराज सिंह यादव की अंत्येष्टि के 5,000 रुपये सरपंच और सचिव द्वारा निकाल लिए गए हैं जबकि रघुराज सिंह यादव अभी जिंदा है। इस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ग्राम पंचायत चंदोरिया के समस्त ग्रामीणों ने शिवपुरी कलेक्टर को आवेदन दिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नितेश यादव, शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस। आप यहाँ पे आज आए हो तो क्या समस्या लेकर आए हो? मैं जिस समस्या लेकर आया हूँ कि जो मेरी पंचायत आती है ग्राम चंदोरिया बदरवास तहसील के अंतर्गत सरपंच सेक्रेटरी रोजगार सहायक द्वारा लाखों रुपए का गमन किया गया है। किस प्रकार का गमन? कैसा इस प्रकार का गमन किया है कि सरनाम यादव के मकान से हरदोल चबूतरा की ओर इन्हें सीसी रोड पास कराया जो करीब लागत 8,69,000 रुपए का पास हुआ है जो धरातल पे आज तक बना ही नहीं। अच्छा, और किस प्रकार? और जिनने तीन चार रपटे निकाले हैं जिसमें सरकार द्वारा करीब 2,50,000 रुपए की एक रपटा निकला हुआ है वो उस पर प्लस्तर करके वो पूरा रपटा पट चुका है और इन मतलब उसका कुछ नहीं हुआ, सरपंच सेक्रेटरी का कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा सरपंच सेक्रेटरी पर जांच हो। मैंने इसे ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को और जिनने मृत व्यक्ति को जो मृत व्यक्ति है उसके 5,000 रुपये अंत्येष्टि के निकाल लिए गए और जो जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करार दे दिया गया है। क्या नाम था उस जिंदे व्यक्ति का? जिंदा व्यक्ति का रघुराज यादव नाम है उनका जो कि जिंदा हैं और उनको सरपंच सेक्रेटरी जिनकी चाल फिर से उनको मृत करार दे के उनके अंत्येष्टि की राशि मिलती है 5,000 रुपये वो निकाल ली गई। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का षड्यंत्र इनके द्वारा हो? इनका षड्यंत्र इस तरीके का है कि गरीबों को लूटना एक और इनने जितना भी काम किया है अगर जाँच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत इनका गमन निकलेगा। किस प्रकार की जांच चाहते हैं आप? मैं इस प्रकार की जांच चाहता हूं जो जिनने काम किया है उनकी पूरी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आगे चल के ऐसा कोई भविष्य में कर न सके। और जो हमारे देश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि मैं डंडा लेकर निकला हूं और मैं सबको ठीक कर दूंगा, लेकिन जो हम आज दिन आती है सरपंच सेक्रेटरी भाई अधिकारी भाई लाखों का गमन कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आगे चल के भविष्य में किसी पंचायत में ऐसा दुष्कर्म को कर न सके। कार्रवाई अगर नहीं होती तो आपका क्या? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मैं बिल्कुल जनता के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल सीएम साहब के भोपाल जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।